काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जल्दी से आ जाइएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ दोस्तों हिंदी साहित्य। आप सभी इसी क्लास का इंतजार कर रहे हैं कि कैप्सूल दोस्तों आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन आज हमारी रहने वाली दोस्तों तीसरी कैप्सूल, ठीक है, थर्ड कैप्सूल, डायरेक्ट कैप्सूल नंबर थर्ड। देखिएगा आज के इस कैप्सूल के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिए हैं। मैं तो कह रहा हूं दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो, फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, अच्छा लगे तो लाइक कर दो। दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये समय है आपके पास दोस्तों बोर्ड में टॉप करने का, ये समय है दोस्तों पूरे 100 में से 100 नंबर लाने का, इसलिए मेहनत करिएगा दोस्तों। और 30 रुपए में, ज्यादा नहीं, ओनली 30 रुपए में एक आपको सीरीज मिलेगी, और मेरी जितने भी जो बोर्ड क्लास होती है उसको आप अटेंड करते रहना, कैप्सूलों को अटेंड करते रहना दोस्तों, जो कैप्सूल यूट्यूब पर क्लास होती है, साथ ही उस सीरीज को लेना, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे दोस्तों, एक नंबर नहीं कटेगा। अभी भी आपके पास टाइम है दोस्तों, बदल जाइएगा, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य बोर्ड 2024, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलो तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि वसंत आया कविता में वर्णन है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, वर्णन है किसका, वर्णन है वसंत आया कविता में। तो याद रखना दोस्तों इसमें मनुष्य का रिश्ता प्रकृति से टूटने का वर्णन है। किसका है, यानी जो मनुष्य का रिश्ता है वो प्रकृति से किस प्रकार टूटता है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है वसंत आया कविता में। ओके, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, आप इसमें यहां पर लिखेंगे कि मनुष्य का रिश्ता, देखिएगा यहां पर आप लिखेंगे कि मनुष्य का रिश्ता प्रकृति से टूटने का वर्णन है। मनुष्य का रिश्ता प्रकृति से टूटने का वर्णन इस कविता में किया गया है, किसमें, वसंत आया कविता में, याद रखना दोस्तों। उसी प्रकार से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों कि जायसी, कौन जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की बात हो रही है। तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित बारहमासा, पूछा जा सकता है कि बारहमासा के रचयिता कौन है, ये जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। इन बारहमासा अंश में किसके वियोग का वर्णन किया गया है, किसके वियोग का वर्णन किया गया है, तो याद रखना दोस्तों इसमें जो है, याद रखना इसमें जो है नागमती के वियोग का वर्णन किया गया, किसका वर्णन का वियोग किया गया है, नागमती के वियोग का वर्णन किया गया है। तो ये सब प्रश्न आप याद रखेंगे दोस्तों। उसी प्रकार से देखिएगा आपके सामने प्रमुख तीसरा क्वेश्चन क्या है कि राजा को कौन सी प्रजा पसंद आती है, राजा को कौन सी प्रजा जो है पसंद आती है, तो बहरी, गूंगी और अंधी। हाँ दोस्तों बहरी, देखिएगा आप लिखेंगे बहरी, इसके अलावा गूंगी और अंधी, ठीक है, बहरी गूंगी अंधी प्रजा जो है वो राजा को पसंद आती है दोस्तों। ये चैप्टर में से है दोस्तों, चैप्टर के सभी क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरी बुक के है ये प्रमुख क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखो, हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाले पौधे का नाम लिखिएगा। हाँ ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच जो है मध्य में उगने वाले पौधे का नाम आपको पूछा कि उस पौधे का नाम क्या है, तो उस पौधे का नाम था कुटज। अरे दोस्तों और ओके नाम है कुटज दोस्तों, याद रहना कुटज क्या है, कुटज। मैं कह रहा हूं एक एक नंबर के अंदर ये प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, याद कर लेना अच्छे से दोस्तों। आगे देखिएगा पांचवा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि देखिएगा सूरदास की झोंपड़ी, आपने चैप्टर पढ़ा होगा सूरदास की झोंपड़ी किस उपन्यास का अंश है, ये किस उपन्यास का अंश है सूरदास की झोंपड़ी। तो याद रखना दोस्तों आप सूरदास की झोंपड़ी ये किस उपन्यास का अंश है, तो ये दोस्तों रंगभूमि का, पांचवे में क्या करना है आपको, रंगभूमि उपन्यास का अंश है दोस्तों। याद रखना कि सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है, तो रंगभूमि। पांचवे में क्या करना है, रंगभूमि करना दोस्तों, आके मीच के कर दो रंगभूमि, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा छठा क्वेश्चन है कि बिस्कोर की माटी, अरे दोस्तों कौन सी माटी, बिस्कोर की माटी पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या में है, बताओ दोस्तों बिस्कोर की माटी जो है हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या में है, तो याद रखना दोस्तों वो है आत्मकथा। क्या है, किसमें है दोस्तों, आत्मकथा में, याद रखना दोस्तों आत्मकथा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेगा सातवां क्वेश्चन कि डोढ़ा, अरे दोस्तों देखिएगा मेरा माइक जो है बार बार डोडो हो रही है, दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, डोडा, मजगितवा और धामिन किसके प्रकार हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखना, डोडा मजगितवा धामिन किसके प्रकार हैं, तो ये प्रमुख जो प्रकार है दोस्तों याद रखना, सांपों के हाँ दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, सांपों के प्रकार हैं कि डोडा, मजगिदवा और धामिन, ये सांपों के प्रकार है। सांपों के प्रकार आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कि पूछा जाएगा कि सांपों के प्रकार कौन कौन से, तो याद रखना डोडा, मजगिदवा और धामिन। तो ये हमारे तो एक से लगा के सात तक के क्वेश्चन दोस्तों,
ये हुए हमारे कैप्सूल थर्ड है, आज कैप्सूल थर्ड है दोस्तों, और ये 7 क्वेश्चन आपके हमने किए। अब देखते हैं आगे, देखिएगा आगे जो क्वेश्चन किस प्रकार पूछे हैं। आठवां देखो, आठवां क्वेश्चन कि अपना मालवा खाऊ उजड़ू सभ्यता पाठ किस अखबार में प्रकाशित हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों आठवां क्वेश्चन, बताओ जल्दी से दोस्तों, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे कि अपना मालवा खाऊ उजड़ू सभ्यता पाठ किस अखबार में प्रकाशित हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों जनसत्ता में। याद रखना दोस्तों जनसत्ता, ठीक है, याद रखेंगे कि अपना मालवा खाऊ उजड़ू सभ्यता पाठ किस अखबार में प्रकाशित हुआ है, तो जनसत्ता अखबार में जो है ये पाठ प्रकाशित हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखो नौवां क्वेश्चन कि उल्टा पिरामिड शैली, सबको पता है उल्टा पिरामिड शैली का प्रथम भाग क्या कहलाता है। अरे दोस्तों प्रथम भाग पूछे, प्रथम भाग पूछे, इंट्रो इंट्रो इंट्रो, देखेगा क्या करोगे इसका आंसर, इंट्रो इंट्रो। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, ये जो फोड़ दे गुस्सा आगे, मैं खतरनाक बनू, ठीक है दोस्तों याद ना, देखो बार बार ये माइक गिरता है, मुझे माइक पर गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें जो उल्टा पिरामिड शैली, इसके कितने भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं दोस्तों। उल्टा पिरामिड शैली कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अरे कौन कौन से 3 भाग होते हैं, अरे दोस्तों इंट्रो, बॉडी, समापन, ये 3 भाग होते हैं दोस्तों, ठीक है। जो उल्टा पिरामिड शैली है इसके 3 भाग होते हैं, पहला भाग इंट्रो होता है, हमें क्या पूछा है प्रथम भाग क्या है, तो प्रथम भाग इंट्रो है, और दूसरा भाग कौन सा है, पहला तो इंट्रो हो गया, दूसरा हो जाएगा बॉडी, ठीक है उसकी बॉडी, और तीसरा हो जाएगा समापन। नेक्स्ट अगला देखेगा 10वां क्वेश्चन, यार तो गजब का क्वेश्चन ले रहे हैं वास्तव में, यही बड़ा बोर्ड में। हाँ दोस्तों बिल्कुल यही आएंगे, आपको ध्यान पूर्वक देखना इस वीडियो को। किस समाचार पत्र या संगठन के नियमित वेतन भोगी पत्रकार को क्या कहते हैं। हाँ, किसी समाचार पत्र या संगठन के नियमित वेतन भोगी पत्रकार को क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10वें का आंसर करिएगा दोस्तों, उसे कहा जाता है पूर्णकालिक पत्रकार। क्या कहा जाता है, पूर्णकालिक पत्रकार, कहा जाता है पूर्णकालिक, पूर्णकालिक, पूर्णकालिक पत्रकार, पूर्णकालिक पत्रकार, पूर्णकालिक पत्रकार। दोस्तों याद रखना, देखो प्रश्न पूछे कि समाचार पत्र के समाचार, देखो पत्रकार के कितने प्रकार होते हैं, पहले तो ये बताओ मुझे पत्रकार के कितने प्रकार होते हैं। पत्रकार के 3 प्रकार होते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर, ठीक है 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। पत्रकार के कितने प्रकार हैं, तो पत्रकार के 3 प्रकार हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। तो यहां पर किसी समाचार पत्र या संगठन के नियमित वेतनभोगी पत्रकार को कहते हैं पूर्णकालिक पत्रकार, यह भी याद रखना आप सभी को। आगे देखिएगा 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन यह है आपके सामने कि कारोबार और व्यापार से संबंधित खबर का संबंध किससे है, कारोबार और व्यापार से संबंधित खबर का जो संबंध है वो किससे है, ये हमें पूछा है, तो वो है दोस्तों आर्थिक क्षेत्र से। किससे है, आर्थिक, याद रखेंगे आर्थिक, आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र से इसका संबंध है। एक एक प्रश्न पर गौर करना दोस्तों, पूछे गए एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कहानी का प्रारंभिक नक्शा क्या कहलाता है, जो कहानी का प्रारंभिक नक्शा है वो क्या कहलाता है, तो सबको पता होगा दोस्तों कहानी का जो प्रारंभिक जो नक्शा है वो क्या कहलाता है, कथानक कहलाता है, कथानक, 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 कथानक। अगर मैं कहूं आप सभी को कि कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या है, तो कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक ही तो है दोस्तों, याद रखेंगे। तो कहानी का प्रारंभिक जो नक्शा है वो क्या कहलाएगा, कथानक कहलाएगा, कथानक। उसी प्रकार से देखिएगा प्रमुख आपके सामने आगे क्वेश्चन, आगे देखो प्रमुख 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखो इधर निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा, खाली स्थान है पर आप भरो दोस्तों, खाली स्थान है भरिएगा, खाली स्थान है भरो। अब यहां भरा देखिएगा, पहला आपके सामने है कि कोमलकांत पदावली वाली रचना खाली स्थान काव्य गुण की होती है, तो वो किस गुण की होती है बताओ दोस्तों, कोमल। जो मधुर बोलेगा, मधुर बोलेगा तो वो बिल्कुल कोमल होगा, ठीक है, जो मधुर बोलता है वो कोमली होता है दोस्तों। तो याद रखना माधुरी गुण, कौन सा गुण हो जाएगा यहाँ पर, माधुरी, ठीक है। कोमलकांत पदावली वाली रचना माधुरी काव्य गुण की होती है। अगर मैं देखो याद करना का तरीका एक तरीके से, देखो जो मधुर बोलता है, जो व्यक्ति मधुर बोलता है, मधुर, तो वो कोमल होता है, ठीक है, उसका शरीर कोमल होता है, कोमल। लेकिन दोस्तों जो कठोर बोलता है, कठोर कठोर, तो बिना कोई भी, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ देखिएगा कठोर, अगर पूछे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समझाने के लिए, देखिए इसी के तहत प्रमुख आपके सामने, इसको वापस कहाँ से लाएगा, यहाँ आया, देखो कठोर 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 वर्ण, अगर दे रखा होता कि कठोर वर्ण पदावली वाली रचना, कठोर वर्ण पदावली वाली रचना खालिस्तान काव्य गुण की होती है, तो कठोर वर्ण में किसमें होता है, कठोर वर्ण, कठोर वर्ण होता है ओज गुण में, किसमें होता है, कठोर वर्ण ओज गुण में होता है, ओज गुण। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, कठोर, और जो व्यक्ति कठोर होता है दोस्तों, कठोर, जो कठोर बोलता है, ठीक है, कठोर वाणी से बोलता है, तो उसको कोई भी कह देता है, अरे वो चुप,
ओए 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 इस तरीके से, ठीक है। तो यानी उसका कोई आदर नहीं करते हैं। तो इसीलिए याद रखना कि जो मधुर बोलता है उसका वो हमेशा कोमल हुआ कोमल होता है। तो कोमलकांत पदावली वाली रचना माधुर्य काव्य गुण की होती है और कठोर वर्ण पूछे तो ओज गुणों। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है दोस्तों, क्या पूछा जाता है कि अर्थ तुरंत समझ स्पष्ट हो जाए, कोई भी काव्य दे रखा है उसका अर्थ जो है वो तुरंत स्पष्ट हो जाए, तो उसमें कौन सा काव्य गुण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण देखो, प्रसाद गुण कब होता है? प्रसाद गुण कोई भी हमारे सामने काव्य दे रखा है उसका अर्थ तुरंत समझ में आ जाए, तो वो पर होता है प्रसाद गुण। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। उसी प्रकार से देखो प्रमुख आपके सामने दूसरा क्वेश्चन क्या है रहे दोस्तों, कि लोक व्यवहार में एक प्रयुक्त शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग होने पर खाली स्थान दोष होता है, वहां पर कौन सा दोष होता है? हमें पूछा है दोष कौन सा होता है, तो वहां पर होता है दोस्तों ए प्रतितु, ठीक है, ए प्रतितु, ठीक है। ये याद रखना दोस्तों कि लोक कल्याण में ए प्रयुक्त शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग होने पर वहां पर कौन सा दोष होता है? तो ए प्रतितु दोष होता है दोस्तों, ए प्रतितु दोष होता है। उसी प्रकार से देखिएगा अगला तीसरा, कि गीतिका छंद के प्रारंभ में खाली स्थान मात्रा जोड़ देने से हर गीति का छंद बनता है। पहले तो देखो कौन सी मात्रा जोड़ने पर, बताओ मुझे जल्दी से, कितनी मात्राएं? दो मात्राएं। गीति का छंद के प्रारंभ में पहले दो मात्रा जोड़ देने से हर गीति का छंद बनता है। देखो मैं अगर पूछूं प्रश्न कि ये जो गीति का छंद होता है, गीति का छंद इसमें कितनी मात्राएं होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा? गीति का छंद में देखेगा इसमें 26 मात्रा होती है, सबको पता है 26 मात्रा होती है, कितनी होती है? 26 मात्रा होती है, ठीक है। इसमें अगर मैं दो और ऐड कर देता हूँ, जो दो मात्राएं और कर देता हूँ तो वो क्या बन जाएगा? 28 मात्राएं हो जाएगी, वो हर गीति का छंद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हर गीति का छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो 26 में प्लस 2 कर दो, 28 हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, गीति का छंद में 26 मात्राएं होती हैं दोस्तों, गीति का छंद में 26 मात्राएं होती हैं और उसमें दो और ऐड कर देते हैं तो दोस्तों हर गीति का छंद हो जाता है, हर गीति का छंद में 28 मात्राएं होती हैं। ये आपको याद रखना दोस्तों, ठीक है, अच्छे से भूलना मत दोस्तों। देखिएगा आर्यन समझ में दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे प्रमुख रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे। आगे देखिएगा, आगे आपके सामने चौथा क्या दे रखा है, कि एक प्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाने पर खाली स्थान अलंकार होता है। मैं तो कहता हूं दोस्तों तुरंत याद कर लिया जाए, वहां पर होता है अन्योक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा लिखो, तो दोस्तों याद रखना, ठीक है, एक प्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाने पर अन्योक्ति अलंकार होता है। तो ये आपको परिभाषा आपको लिख देनी है एग्जाम में अगर आ जाए तो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने 14वां क्वेश्चन। आप सभी के इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि हिंदी साहित्य के लगभग हिंदी साहित्य, तो दोस्तों मैं कह रही हूँ ना आज हमारी कैप्सूल थर्ड आ गई, आज तो खुश होने दोस्तों, खुश हो। देखिएगा, 14वां के वाक व्यवहार में, प्रेमगण के वाक व्यवहार में विलक्षण वक्रता रहती थी, उदाहरण सहित बताइए। प्रेमगण के वाक व्यवहार में विलक्षण वक्रता रहती थी, हाँ रहती थी दोस्तों, क्योंकि जो प्रेमगण है ये सीधी बात ना करकर हमेशा टेढ़ी बात किया करते थे। उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, देखिएगा जैसे उदाहरण आपके सामने, कि जल ही खाया है फलाहार भी पिया है, ठीक है, तो ये इसका उदाहरण आप दर्शा सकते हो, ये लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने अगला 15वां क्वेश्चन देखो, कि अराफात के आतिथ्य प्रेम संबंधी घटनाओं का उल्लेख करें इसमें, ठीक है, तो उत्तर आप लिखेंगे, प्रमुख जो प्रेम संबंधी घटनाएं थी वो ये थी। पहली लिख सकते हैं कि अराफात बड़े ही प्रेम के साथ सभी से शहद का शरबत पीने को कह रहे थे, ठीक है, और शहद की चटनी के बारे में भी बता रहे थे। तो ये जो है आप इसमें लिख सकते हैं दोस्तों, प्रमुख जैसे अराफात के आतिथ्य प्रेम संबंधी घटना के बारे में, ठीक है, वो यानी क्या कह रहे थे, शहद का शरबत पीने के लिए कह रहे थे और चटनी के बारे में भी वो बता रहे थे। नेक्स्ट आगे देखो प्रमुख 16वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना दो नंबर के अंदर पूछे जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखें। तो देखो 16वां है कि देव सेना की हार या निराशा के क्या कारण थे। इस क्वेश्चन का मैंने आंसर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने कैप्सूल 2 के अंदर इसको करवा रखा है, आप देखें इसका आंसर मैंने करवा रखा है, दोबारा रिपीट हो गया लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसको। 17वां देखिएगा कि चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को पंकवित में घनानंद के प्राण क्यों अटके हुए हैं, कि चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को कवित में घनानंद के प्राण क्यों अटके हुए हैं, तो इसका उत्तर आप इसी तरीके से लिखेंगे कि देखो सबसे पहले चाहत चलन लिखा डैश डैश करके अंतिम पंक्तियां लिख दो सुजान को, ठीक है, चाहत चलन डैश डैश करके सुजान को कवित में घनानंद के प्राण
इसलिए, यहां पर इसलिए दो बार लिख दिया मैंने, इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि वे प्रिय सुजान का संदेशा लेकर ही निकलना चाहते थे। ठीक है, उनके प्राण जो है वो कंठ में अटके, दोस्तों कंठ में अटके हुए थे। ठीक है, वो तो सुजान से वो है मिलना चाहते थे। तो ये आपका इसका आंसर लिखना है, हाँ, सुजान का संदेशा लेकर ही निकलना चाहते थे उसके प्राण, तो इसलिए जो है वो उसके कंठ में अटके हुए थे। तो ये आपको लिखना है, 17वां क्वेश्चन मोस्ट है, याद रखे। नेक्स्ट है आपके सामने प्रमुख 18वां क्वेश्चन कि बिस्कोर की जो माटी है इस पाठ में किन किन फूलों का वर्णन किया गया है, कौन कौन से फूल है जिसका वर्णन किया गया है। सांपों के बारे में भी हमने देखा, अब फूलों का वर्णन देखो, तो इसमें आप लिखेंगे देखो प्रमुख फल थे जिसमें कमल भी था। ठीक है, प्रमुख ये फूल थे, कमल है, कोया का फूल है, इसके अलावा हरी सिंगार है, और भी अन्य बहुत से जैसे तोरी, लौकी, भिंडी, इमली, अमरूद आदि, इनका भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं कि बिस्कोर की माटी पाठ में किन किन फूलों का वर्णन किया गया, तो कमल, कोया और हरी सिंगार, मेन तो तीन है, बाकी ये भी आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके सामने देखेगा 19वां क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय लिखिएगा, और इधर आपके सामने हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय लिखिएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन जो आपके सामने लिखे हैं, मैंने कोई भी परिचय आ जाए उसका साहित्यिक परिचय के लिखने के लिए बोल रहा है, तो मैंने आपको बताया था आपको कुछ नहीं याद करना, आपको सिर्फ उनकी रचना याद होनी, नहीं सॉरी दोस्तों, आपको क्या याद होनी चाहिए, उनका जन्म याद होना चाहिए, जन्म स्थान, उनका जन्म जो है वो कब और कहाँ हुआ, और दो दो रचना याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी कोई भी साहित्य परिचय, कोई भी कवि परिचय हो, कोई भी लेखक परिचय हो, मैंने फिक्स लाइन बता रखी है, फिक्स लाइन, ये दोनों आ जाए तो फिक्स लाइन में हो जाएंगे, निपट जाएंगे। दोस्तों नीचे आप जो है वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है, साहित्यिक परिचय जिसमें कला पक्ष में क्या योगदान रहा, ठीक है, कला पक्ष में क्या योगदान रहा, भाव पक्ष में क्या योगदान रहा, ये आप लिख सकते हैं दोस्तों, कला पक्ष भाव पक्ष के बारे में भी लिख सकते हैं साहित्य परिचय में, अच्छे से मैंने कवर करवा रखा। कोई भी फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन कोई भी कैसे भी आए दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा जो भी आएगा, जयशंकर प्रसाद आ गए तो जयशंकर प्रसाद लिख दो उसमें लाइनों के अंदर, मैंने बता रखा है, वैसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसको जरूर देखेगा। तो दोस्तों ये था अपना वीडियो, दोस्तों 20 क्वेश्चन हमने देखे हैं, आप सभी को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद जय भारत, ओके।